Right, खुद का क्लोज फ्रेंड टोरोंटो एयरपोर्ट पे जाके कोविड पॉजिटिव पाया गया तो उसका एक्सपीरियंस आज मैं आपको बताऊंगा और आपको हर एक स्टेप बताऊंगा वैसे तो प्रे है कि किसी कोविड ना हो बट सिचुएशन आ भी जाती है तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है क्यूँकी मेरे फ्रेंड को तो ये सब पता नहीं था तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आई उसकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसने ही मुझे कहा की मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करो ताकि कि किसी और को ऐसी दिक्कत ना आये तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एक भी सेकंड स्किप मत करना बारह तो अप्रैल को फ्लाइट थी उनकी मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स है तो तेरह को वो टोरंटो एयरपोर्ट पहुंच गए थे दोनों ने साथ में ट्रैवल किया एयरपोर्ट पर स्विच ऐप पर रजिस्टर करके कोविड टेस्ट करवाया और अपने होटल में चले गए अब यहाँ मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ कि अगर आप अपनी फ़्लाइट से पहले नब्बे दिन के अंदर अंदर अगर आप कोविड पॉजिटिव आए हैं तो आपको अराइव कैन पे यस yes भरना है तो क्योंकि आप कोविड पॉजिटिव थे तो आपका कनाडा अराइवल पे कोविड टेस्ट नहीं होगा और आपको थ्री डेज होटल क्वारंटीन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको सीधा ही चौदह अपने क्वारंटीन प्लेस पे चले जाना है तो होटल उनका था डबल ट्री देन सेकंड डे उनकी कोविड रिपोर्ट आ गई एक की नेगेटिव आई तो वो तो नेक्स्ट ही अपने ग्यारह दिन वाले क्वारंटीन के लिए निकल गया बट एक की पॉजिटिव आई एंड ही लिटरली गॉट सो मच कैड कि अब क्या होगा सबसे पहले तो उसने होटल रिसेप्शन पे कॉल किया और उनको सारी बात बताई कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो अब मुझे क्या करना होगा धैन होटल वालों ने उसे बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है काम रहिए, आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से कॉल आएगी धैन उसने मुझे कॉल किया एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो क्लू लेस इतना तो मुझे पता था कि आ, अब उसे गवर्नमेंट के अंडर ही रहना है बट कहाँ रहना है कितने पैसे चार्ज करेगी गवर्नमेंट आगे का प्रोसीजर क्या है इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था तो मैंने उसे कहा कि रिलैक्स हो जा कोई बात नहीं डरने की बात नहीं है एक बात थी कि उसे कोई भी सिम्टन नहीं था ना उसे बुखार था ना उसे कोल्ड सो so, इसलिए हॉस्पिटलाइज होने का खतरा नहीं था तो मैंने उसे फिर कहा कि अभी मुझे तो पता नहीं तुम अपने कॉलेज को कॉल करो उनको बताओ आगे का प्रोसीजर उन्हें जरूर पता होगा और वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे देन ही डिड द सेम कॉलेज को उसने कॉल किया लैम्पटन कॉलेज है उसका तो क्योंकि लैम्पटन खुद क्वारंटाइन करवा रहा है अपने स्टूडेंट्स से और मैंडेटरी कर रहा है कि स्टूडेंट्स को उनके थ्रू ही होटल बुक करवाना है ग्यारह दिन के वाला तो मेरे फ्रेंड ने भी उनसे ही बुक करवाया हुआ था करीब एक हज़ार डॉलर का पैकेज लिया हुआ था तो जब उसने कॉलेज को बताया कि मैं कोविड पॉजिटिव आ गया हूं तो कॉलेज ने उसे कहा कि अब आपको चौदह दिन के लिए गवर्नमेंट के अंडर ही रहना होगा अब आपको हमारे होटल में आने की ज़रूरत नहीं है और वो चौदह दिन आपके बिल्कुल फ्री होंगे और जो आपने हमसे क्वारंटीन पैकेज लिया हुआ है एक डॉलर का वो आपको वापस मिल जाएंगे रिफंड हो जाएंगे पैसे तो ये सुन के उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ देन सेकेंड डे पूरा बीत गया बट गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई कॉल नहीं है। जब थर्ड डे शाम चार बजे तक भी कोई भी कॉल नहीं आया तब उसने दोबारा रिसेप्शन पे कॉल किया और पूछा कि कॉल कब तक आ सकती है मुझे तो उन्होंने कहा कि वो खुद ही कॉल करेंगे बट अगर आज आपको कॉल नहीं आती और आप हमारे ही होटल में स्टे करोगे रात को तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे तो ये सुन के वो फिर से घबरा गया देन फाइनली सात बजे के करीब गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आया उन्होंने उसकी बेसिक डिटेल मांगी नेम एड्रेस अराइव कैन रिसिप्ट नंबर देन उन्होंने पूछा कि आपके पास अब दिन के लिए क्वारंटीन प्लान है क्या तो आपको यहाँ पे यस ही बोलना है क्योंकि अगर आप नो बोल दोगे तो वो आपको पेनल्टी भी डाल सकते हैं कि आप बिना प्लान के कनाडा कैसे एंटर किए तो मेरे फ्रेंड ने भी उन्हें यस कहा बट साथ में उसने कहा कि बट उस क्वारंटीन में ये कंडीशन है कि अगर मैं कोविड पॉजिटिव आ जाता हूं तो मैं वहां पर क्वारंटीन नहीं कर सकता तो उन्होंने कहा कि अभी आप होटल में ही रहिए हम आपको खुद पिक करने आएंगे जल्दी ही देन फाइनली 10 बजे उसे रिसेप्शन से कॉल आई कि आप प्रॉपर आइसोलेट होके बाहर आ जाइए होटल के बाहर एक वैन थी उसमें उसे शिफ्ट किया गया दूसरे होटल में वैन भी हाईजैक वाली थी ऑटोमेटिकली उसने उसे उठाया और वैन में बिठा दिया वैन में एक ड्राइवर और एक टेक केयर था जिसकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि उसे सेफली होटल तक पहुंचाए देन होटल में आने के बाद उसे पीपीई किट मिली मास्क दिए गए थर्मोमीटर दिया और साथ में उसके फूड की प्रेफरेंस पूछी ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन सो उन्होंने एक पेज पर लिखकर उसके रूम के बाहर लगा दिया सो so जब भी ब्रेकफास्ट लंच या डिनर आता था तो वो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही उसके रूम के बाहर खाना रख जाते थे और साथ में रिंग कर जाते थे कि आपको पता चल जाए कि खाना बाहर रख दिया है और आप उठा लो क्लिनिनेस वाले एक दो बंदे आते थे रोज सैनिटाइज करके जाते थे दो तीन दिन बाद बेडशीट चेंज करके जाते थे हाँ फूड अच्छा था बिल्कुल फ्रेश बढ़िया फूड दे रहे थे बट साथ में कभी कभी समोसा नूडल्स भी दे जाते थे ये मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा सो होपफुली ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन हेल्थ कंडीशन डाउन नहीं हुई और एक ज़रूरी बात ये चौदह दिन क्वारंटीन के बाद आपका कोविड टेस्ट नहीं होगा यस yes, एक्चुअली कनाडा हेल्थ वाले कहते हैं कि अगर कहीं आप एक बार कोविड पॉजिटिव आ गए तो कोरोना के कुछ पार्टिकल्स आपके बॉडी में रह जाते हैं जिसकी वजह से टेस्टिंग में दोबारा आपकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ सकती है सो so, इसलिए अगर आपको बुखार नहीं आ रहा है तो वो आपको छुट्टी दे, दे देंगे चौदह के बाद सो आई होप उसे जल्दी छुट्टी मिल जाए एंड आप भी सेफ़ रहिए घर पर सो दैट्स इट फॉर टूडेज़ वीडियो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर इसके रिगार्डिंग अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एस्थेटिक आर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में